या अली मदद। अलवाइज अबू अली, वाइज नंबर 50, रिकॉर्डेड बाय मेहंदी मोमिन एट शुगरलैंड टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स। 21st of March 1894, वाइज स्टार ब्रो जनक समय ऑफ टोरंटो। अछड़ा खोजो भाई, अछड़ा खोजो, अछड़ा खोजो भाई, अछड़ा खोजो, तुस लागो ते सत चेरे धागे। मौलाना हज़रत इमाम फैसलुल्लाह फरीदी गारु मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस दुनिया के अंदर इस वक्त लगभग 6 बिलियन आदमी हैं। ये 6 बिलियन को हर एक को खुदा की शनाख्त नहीं, बल्कि शायद आधी से ज्यादा दुनिया खुदा को मानती भी नहीं। ये चीज बढ़ती जाएगी। शायद ऐसा जमाना आ रहे कि सारी दुनिया के अंदर 90% लोग मकसद से हट जाएंगे, हार्डली 10% रहेंगे। लेकिन हमारे गुरती सदर भी माँ बाप ने ऐसा भी कहा है कि एक जमाना आएगा 97.5% बेईमान होंगे और 2.5% मोमिन होंगे। खुदा उस जमाने से हमें बचाए और शैतान के फरेब से बचाए। मजहब दुनिया के अंदर इसलिए आया कि इंसान दुनिया के अंदर भी प्रोग्रेस करे, दीन में भी प्रोग्रेस करे, और इन दोनों की वजह से इंसान की जिंदगी नॉर्मल रहे, कंपैरेटिवली कंफर्टेबल रहे, हैप्पी रहे। मगर खुदा ताला ने इसके साथ साथ उसको भी रखा है कि जो हमको अच्छाइयों नेकियों से हटाता रहे, इसको हम शैतान कहते हैं। दुनिया के जितने भी मजहब हैं, इन मजहबी किताबों के अंदर शैतान का जिक्र है। मैंने अपनी वाज़ों में बहुत दफा जिक्र किया, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह जातार का एक फरमान है, मौला फरमाया, भाइयों में भाइयां शैतान हैं, भाइयों में भाई शैतान हैं। शैतान किसी एक खास इंडिविजुअल व्यक्ति का नाम नहीं है, शैतान एक फोर्स है। जैसे कि खुदा ताला का भी कोई इंडिविजुअल फिजिकल कोई स्ट्रक्चर नहीं है, खुदा का फिजिक नहीं है, वो भी एक फोर्स है। मगर खुदा की जो फोर्स है वो सुप्रीम है, और जो शैतान की फोर्स है वो भी खुदा ने अलाउ की है ताकि अपने बंदों से टेस्ट करता रहे। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि हमारे जो बंदे हैं, हम उन बंदों का इम्तिहान यानी एग्जामिनेशन करते रहते हैं, और फिर उसकी लिस्ट देता है, हम उनके ऊपर टेस्ट करते हैं, उनकी तंदुरुस्ती से, उनके माल से, उनकी औलाद से, उसके कुटुम कबीले से। यानी मतलब उसका यह है कि इन जरियों से खुदा ताला आदमी को दुख देते ये जानना चाहता है, हालांकि उसको सब खबर है। मगर उसने फिर ये क्यों किया? इसलिए किया कि इंसान बजाते खुद जब एग्जामिनेशन में से पास हो जाता है
तो उसके दिल के अंदर एक खुशी पैदा होती है, एक किस्म की सेटिस्फेक्शन होती है। जैसे कि खुदा ताला ने अपनी नदियों के ऊपर भी टेस्ट भेजे, हालांकि इन नदियों को टेस्ट की जरूरत नहीं थी, मगर हमारे लिए एग्जाम्पल सेटअप करने के लिए खुदा ने अपने नदियों को अलग अलग किस्म के दुख दिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे उनको आग में डाला गया, नमरूद ने उनको आग में डाला, मगर वो आग में भी खुश रहे और जले नहीं। और जब उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी की तो खुदा ने कहा कि आए इब्राहिम, मैं खुश हुआ कि तू इम्तिहान में पास हुआ, अब मैं तुम्हें ऊंचा दर्जा देता हूँ, प्रमोट करता हूँ। और प्रमोशन ये भी कि इन्ना जायलों का लिखना उसे इमामा, हम तुमको सारी दुनिया के इंसानों के ऊपर इमाम मुकर्रर करते हैं। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी थे और नबूवत जो है वो पीढ़ी दर्जा है, और जब वो पास हो गए तो उनको फिर इमामत का दर्जा दिया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम इस अगर दिन में जो इमाम की पुस्तियां लिखी हैं जिनको हम वंशावली कहते हैं, या हम इसके लिए एक दूसरी नाम भी है कि जो हम आप पुरानी दुआ के अंदर या हम अपने जिनानों के अंदर या दस पाठ की दुआ में पढ़ा करते थे, उनको कहते थे विश्नापुरी, यानी इमामों की वंशावली। अली से पहले, आदम से भी पहले, ये एक एकेडमिक चीज भी है, हमारी रिलीजियस फिलोसफी भी है। इसका मैं और ज्यादा खुलासा करने का जहां वक्त नहीं पाता, इसके लिए इतना जरूर कहता हूं कि स्त्रोत्र पात्र और उसके बाद इमामों का सिलसिला चला। अगर इमाम बल्कि हर इमाम हमको हर जमाने के अंदर ये कहते आए कि तुम अपनी पास्ट हिस्ट्री को पढ़ा करो ताकि तुम्हें पता लगे कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। इसकी आज और भी बहुत जरूरत है, इसलिए जरूरत है कि हम बहुत क्रिटिकल टाइम के अंदर से गुजर रहे हैं। गए 20 से 25 बरस हुए, जमाने का ऐसा ट्रेंड बदल गया है, और खासतौर पर जब से हमारी जमात यहां नॉर्थ अमेरिका के अंदर आके रही, हमारा वो जो कल्चरल बैकग्राउंड था जो इंडिया से आज से लगभग 100 वर्ष पहले, हमारे बाप दादा 100 से ज्यादा 150 वर्ष हुआ, हमारे बाप दादा जो थे वो हिंदुस्तान से निकल के अफ्रीका में आए, अफ्रीका में रहे, ईमान की गौरवनी खासतौर पर उनको मिलती रही। मौलाना ईमान सुल्तान मोहम्मद शाह दातार अफ्रीका के अंदर उन्होंने अपनी 72 ईयर्स की इमामत के दरमियान 9 मुसाफरियां की। इन 9 में से पहली मुसाफरी 1899 की थी। मौला 2 महीने जंजीबार में ठहरे, बागामोड़े भी गए, दारुसलाम तो उस वक्त एक छोटा सा विलेज था। इन 2 महीनों के अंदर इमाम ने पर्सनली अपने मजहब की तमाम सेरेमनीज को इन्वेस्टिगेट किया, स्क्रीन किया, इम्प्रूव किया, और ऐसी गौरवनी के जो हिंदुस्तान में ना थी उन लोगों को मौला देते रहे। इसमें एक मिसाल देता हूं, एग्जाम्पल देता हूं कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जो मौला ने हिंदुस्तान वालों को नहीं कही और अफ्रीका वालों को कही। उसके अंदर ये 4 तस्वीरें हैं जो आजकल हम सुबह के वक्त निकालते हैं, या अल्लाह, या वहाब, या अली, अल्लाह समद। मगर उस वक्त इमाम अर्सन अली शाह माँ बाप ने उन अफ्रीका के इस्माइलियों के लिए ये 4 तस्वीरें फरमाई और फरमाया कि शाम की दुआ के बाद, पहली दुआ के बाद ये 4 तस्वीरें निकाला करो। और 1877 से लेके ये तस्वीरें 1877 से पहले दी गई, 1870 के अंदर ये तस्वीरें इंट्रोड्यूस हुई, लेकिन सारी अफ्रीका तक न पहुंच सकी क्योंकि बहुत से ने माना बहुत से ने न माना। लेकिन 1877 में थ्रूआउट अफ्रीका ये तस्वीरें निकलती रही पहली दुआ के बाद। जिस वक्त 1905 में मौलाना धनी सलामत सुल्तान मोहम्मद शाह दातार अफ्रीका गए तो
1970 से लेके 1905 तक यानी कि 33 बरस ये तस्बीहां शाम को निकलती रही। बाद में इमाम ने फरमाया आज के बाद तुम ये तस्बीहां सुबह की दुआ के बाद निकाला करो। उसका कोई भेद था। पहले हमको कहा गया कि ये चार तस्बीहां तुम शाम को निकालो, बाद में कहा गया ये चार तस्बीहां तुम सुबह निकालना। हिंदुस्तान में ये तस्बीहां नहीं थी। जब डायमंड जुबली हुई 1946 में और हिंदुस्तान से लगभग 500-700 आदमी इधर आए, उसके अंदर 200 जितने तो लीडर्स थे, तो इन्होंने जब ये तस्बीहां यहां देखी तो मौलाना सुल्तान अहमद शाह के हुजूर में उन्होंने अर्ज की कि सरकार अफ्रीका में ये तस्बीहां निकलती हैं, हिंदुस्तान में नहीं निकलती। मौला फरमाया वो अफ्रीका के लिए थी। तो इन्होंने फिर अर्ज की या मौला हम निकाले, फरमाया अच्छा निकालो। तो इंडिया पाकिस्तान के अंदर ये तस्बीहां इंट्रोड्यूस हुई, अफ्रीका में निकलती। इमाम बेहतर जानता है कि कहां एक चीज कही जाए कहां ना कही जाए। आप में से कुछ ऐसे भाई बहन हैं कि जो नैरोबी में रहते थे, नैरोबी के अंदर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दाताब ने 1945 में फरमान किया, जो कि यह फरमान पहले साहब कर चुके थे मगर गच्छुपच्छी तरीके से चलता रहा। लेकिन 1945 में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने नैरोबी वालों के लिए यह फरमान किया कि तुम लोग वीक में एक दफा लाइफ मेडिटेशन का छांटा लिया करो एवरी वीक। हमको या कि सारी दुनिया के इस्माइलियों को जो लाइफ के मेंबर्स थे उनको महीने में सिर्फ एक ही छांटा था, लेकिन खास नैरोबी शहर में रहने वालों को या बाहर से विजिटर आए होंगे और वो नैरोबी में होंगे और उस दिन ये बात बने तो वो छाता ले लेते थे, लेकिन ये छाता सिर्फ नैरोबी के लिए था। क्यों इमाम ने ऐसा फरमान किया वो बेहतर जानता है। कुछ अर्सा हुआ, ब्रिटिश का टाइम था, लड़ाई खत्म हुई। आहिस्ता 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 कुछ वर्षों के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चांगानीका के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर अलग अलग नवी नवी छोटी बड़ी सेटलमेंट्स बनाई। उनमें एक सेटलमेंट पांडा में बनी। पांडा जो है वो तबोरा से पांडा तक लाइन जाती है स्ट्रेट, और एक छोटी सी सेटलमेंट नवी बनी 40s के अंदर लड़ाई के बाद। पहले तो 5-7 आदमी गए, अकेले गए, व्यापार अच्छा था, नई सेटलमेंट थी, एनकरेजमेंट हुई, और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दाताब ने सबोरा काउंसिल को तालिका भी भेजा के लोगों को एनकरेज करो कि वो नई सेटलमेंट में जाकर बिजनेस करें। लोग गए। अब वहां वो ऐसा इलाका है कि वहां धरती कंप के ट्रेमर्स आते हैं अर्थक्वेक के। आहिस्ता आहिस्ता सौ जितनी जमात हो गई, बाल बच्चे भी आए, रोज दिन के वक्त किसी वक्त छोटा सा ट्रेमर आ जावे जो एक्चुअली फील नहीं किया जा सकता था, लेकिन वो ऐसी जगह है कि हर रोज अर्थक्वेक का ट्रेमर होता है। रिस्टर स्केल के ऊपर अभी डेढ़ या दो तक का अगर वो पॉइंट आवे, शॉक आवे तो महसूस भी नहीं होता। एक दिन लोग रात को सोए थे, आधी रात के बाद 12:30-1 बजे एक जबरदस्त ट्रेमर जो आया लगभग 4 रिक्टर स्केल का, लोग घबरा के घर छोड़ के बाहर आ गए। दूसरा दिन हुआ, फिर एक ट्रेमर आया, तो 3-4 दिन में 2-3 ट्रेमर जो आ गए तो लोगों ने अपने बीवी बच्चे दार सलाम कबोरा और इधर उधर भेज दिए। हर महीने 3-3 महीने से जो इमाम को काउंसिल की तरफ से रिपोर्ट जाती थी, उसके अंदर जब रिपोर्ट दी तो इमाम ने खत लिखा कबोरा काउंसिल को, मैंने नोट किया है कि पांडा के अंदर जमात घट गई है, क्या बात। जवाब लिखा गया कि सरकार यहां धरती कंप आता है और लोग डरते हैं, वापस जवाब दिया, इनको कहो कि हर रोज जो खड़े होकर तस्बीह निकाली जाती है उसके अलावा एक तस्बीह निकालो। साहब ने तस्बीह लिखी, वो टाइप नहीं की थी, हाथ से लिखी, या अली या मोहम्मद, या अली तू रहम कर या मौला तू फजल कर, यानी पहली तस्बीह जो हम आमतौर पर निकालते हैं या अली या मोहम्मद, बाद में दूसरी तस्बीह या अली तू रहम कर
यह बोला कि फसलता है शुरू हुई, ट्रेनर बंद हो गया, बीवी बच्चे से मिली वापस आ गई, बिजनेस खूब हुआ, चढ़ता रहा, कई बरस निकल गए। क्योंकि कांवड़िया वो बात उस वक्त हर साल बदलते थे, शायद 16 से 17 साल निकल गए, पुराने लोग इधर उधर चले गए, जवान बच्चे हुए, आगे बढ़े, मुखी कमरिया बने, दर सलाम उनका व्यापार के लिए आना जाना, सबोरा जावे तो ये तस्ती नहीं, दोदोमा जावे तो ये तस्ती नहीं, द्वारका जावे तो ये तस्ती नहीं, दर सलाम जो हेड ऑफिस है वहां ये तस्ती नहीं, किधर भी नहीं ये तस्ती, और पांडा की जमात ये तस्ती निकालती है। बस तो ऐसे मुखी साहब थे जवान, उन्होंने कहा भाई ये तस्तियां किधर नहीं निकलती, बंद करो तस्ती। तस्ती बंद की, रात को 12 बजे भक्ति कब हुआ, लोग डर गए, सबोरा जब फोन फोन किए गए तो बड़ी उम्र के जो लोग थे उन्होंने कहा अरे ये तस्वीर तो तुमको इसलिए स्पेशल दी गई है। उन्होंने फिर तस्ती चालू की, धरती कम स्टॉप हो गया, सो गया। इमाम जो जानता है हम नहीं जानते, इमाम कभी एक जमात को एक हुक्म करता है, लाजिम नहीं कि सारी दुनिया के आदमी उसको फॉलो करे, सुबह के इमाम हुक्म करे। जैसा कि उसने जब नई दुआ बनाई इमाम सुल्तान मोहम्मद सादात ने 66 के अंदर, उसने सारी दुनिया के अंदर तालीफे भेजे कि ये दुआ पढ़ा करो। उसके पहले बहुत से ऐसे इलाके थे कि ये दुआ नहीं पढ़ते थे, वो हिंदुस्तानी की ये दुआ थी कि सदरुद्दीन की बनाई हुई, सलेमिया वाले उच्चार नहीं कर सकते थे, आज जिस तरह हम अरबी का उच्चार नहीं कर सकते अच्छी तरह, तो वो लोग हिंदुस्तानी दुआ का उच्चार नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो पढ़ते थे। और ऐसे इलाके भी थे जहाँ इमाम ने कहा कि तुम दुआ मत पढ़ो, 12 तस्बीहें निकाला करो, ऐसे भी इलाके थे कि जहाँ इमाम ने कहा कि तुम एक तस्बीह निकाला करो काफी है। इमाम बेहतर जानता है, हमारे मस्जिद का जो स्ट्रक्चर है वो इमाम के फरमान के ऊपर चला हुआ है, इमाम का फरमान मानना चाहिए। इस्माइली मजहब एक सूफी तरीका है, इस सूफी तरीके के अंदर जो मुर्शिद कहता है उसका अमर फाइनल है, मुर्शिद का ही हुक्म हमारा मजहब है। हमारा मजहब कुरान के ऊपर बेस किया हुआ है, हमारा मजहब जो है वो हदीस को मानता है, हर हदीस को नहीं मानता, हमारा मजहब इमाम के फरमान के ऊपर है। लेकिन अमर वही है कि हर जमाने का जो इमाम होता है वो जो जानता है दीनदारों कोई नहीं जानता, और इसके फरमान के अंदर जो भेद है वो भेद काम करता है, उसकी जो रूहानी ताकत है वो काम करती है। मौला कच्छ गए तो लोगों ने मेहमानियां की, अलग अलग जगहों के ऊपर भी गए, किसी एक जगह एक मेहमानी की किसी फैमिली की मशहूर फैमिली है, इतनी बड़ी पगड़ी, छोटा सा मुंह, दुबला पतला आदमी, आंखें नीचे करके बैठा है। मौला ने उसको पूछा, फलाने उसका नाम लिया, क्या बात है तुम्हें ऐसा सूखता जाता है, कहते जुबू चक्री की बीमारी है, चक्री की बीमारी, कैस्ट्रॉल किया करो। एक ही हुक्म, कैस्टर ऑयल किया करो। मौला जब चले गए बंगले तो घर वालों ने बच्चे ने कहा बापा मौला आपसे कहेंगे कैस्टर ऑयल पियो, पर मौला से पूछा तो कर ली कैसरी पियो, अरे मास्टर की धनी से खबर ना पूछे कैस्टर ऑयल पियो, दिन जो पियो रात जो पियो, हमें मुझे मछली है छोटी सी बोतल ले ली उसी से मैं रखे, कलर डेढ़ कलर करे थोड़े निकाल के दौड़ 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 करके एक दो चमचे जितना पी ले, चालू सारे सारा दिन के अंदर पीता हूँ चक्री मिट्टी, सारी जिंदगी कैस्टर ऑयल पिया। बच्चों ने कहा बाबा अभी छोड़ दो, क्यों बस अभी तो चक्री मिट गई। धनी ने नहीं कहा, उसने कहा कैस्टर ऑयल पिया, सारी जिंदगी कैस्टर ऑयल पिया लेकिन कभी बीमार नहीं हुआ। ईमान का जो फरमान है दीनदारों वो फरमान नूर होता है। ये कैस्टर ऑयल का तो बहाना था, वो कभी मौला कहता ना तुम पानी पिया करो तो वल्ला वो पानी से भी अच्छा होता, कैस्टर ऑयल ने उसे अच्छा नहीं किया, हुक्म ने फरमान ने अच्छा किया है। जी फरमान मानो तो तेरा चले, फिर शाह कहता उतरिए पार जी।
दफन क्रिया शुरू हुई। ये जनाजे में था, मगर जब यहाँ आया घड़ी देखी तो नांदी का टाइम होने वाला था, तो ये अपने बाप की दफन क्रिया छोड़कर हजर इमाम की खिदमत करने के लिए दरखा में पहुंच गया। दुआ में न पहुंच सका, लेकिन अपनी ड्यूटी के लिए नांदी पे तैयार था। कुछ महीनों के बाद, यानी मैं ये बात 1944 के 47 की है, लेकिन जब 46 के अंदर इमाम के हुजूर में इसने मेहमानी रखी, डायमंड जुबली का टाइम था, हर रोज 40 मेहमानियां मौला कबूल करते थे और माँ बाप 5.5 महीना ठहरे, उसमें एक महीना हिंदुस्तान में घूमते रहे, तो 4.5 महीने हर रोज 40 मेहमानियां कबूल करे। इसने जब मेहमानी रखी तो शायद उसको दे सकती है असमानी, तुमने क्या को मेहमानी रखी, तुम तो हर रोज मेरी खिदमत करते हो। इतना खुदा डायमंड जुबली का टाइम है, बहुत मजे का आदमी था। आज उसके रूह भी यहाँ इस जमा खाने में मेरी आवाज को सुनती है। मुख्य की तरफ देखते कासम अली मंजी मुखी थे हमारे, उसको कहते हैं मुखी 36 बरस से 36 ईयर्स हुए ये हर रोज नाली करता है मेरे जमा खाने के अंदर, वल्ला एक दिन भी एबसेंट नहीं हुआ। साहब को किसने कहा, उसकी कभी रिपोर्ट भी नहीं गई, लेकिन मौला कहते हैं कि 36 ईयर से ये मेरे जमात खाने में हर रोज नादी करता है, वल्ला एक दिन भी मिस नहीं किया। शाबाश शाबाश, हसन अली खड़ा हुआ। आज से पहली दुआ जिंदगी भर तुमको दुआ, तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, न पढ़ना मत पढ़ो, तुमको जिंदगी भर के लिए पहली दुआ तुम्हारी मौत। अब ये उसी के लिए हुक्म था, ये हुक्म किसी और के लिए नहीं। तो जो बरस नादी करे तो समझ जाए कि हसन अली को तो छोड़ दिया था, मैं भी छोड़ दूं, ये नहीं। इमाम की बख्शिश है अलग अलग किस्म की है, उसके फरमान अलग हैं। वो किसको क्या देता है, किसी को क्या देता है, किसी को थोड़ा देता है, किसी को ज्यादा देता है, किसी को सोना देता है, किसी को थप्पड़ देता है, वो धनी बेहतर जानता है। इसलिए मोमिनों, हमको इस मर्दियों को इमामत की जो फिलोसफी है और इमामत की जो हकीकत है, इमामत का जो दर्जा है, हमें जो समझना चाहिए, ये नूरी दर्जा है। इमाम इमाम है, वो जो जानता है कोई नहीं जानता। एक वो जमाना था मोमिनों, 5 घंटे की बैतुल ख्याल की इबादत फर्ज थी। आज एक ये जमाना आ गया कि इमाम कहता है कि तुम 1 घंटा करो, उसमें भी जिस तरह से बैठ सकते हो थोड़ा बहुत भी, मगर बैठो, यानी मुश्किल से 10-15 मिनट की अच्छी तरह इबादत नहीं होती, क्योंकि हम कमजोर होते जा रहे हैं। जब इमाम ने, हजर इमाम की बात करता हूं, 77 में बॉम्बे आए, मौला ने हाथ में माइक पकड़ा हुआ है, 6,000 जवान बच्चे हैं बैतुल ख्याल का बोल लेने के लिए आए हैं, ये बॉम्बे दरखाने की ऊपर की बंगली की बात करता हूं, 6-7 बच्चे बैठे हैं, नीचे भी बैठे थे। मौला फरमान करते हैं, ये देखो अगर तुम्हारे बदन के अंदर कोई तकलीफ है तो तुम बंदगी भले ना करना। जैसे कि मेरी कोई रूहानी बच्ची प्रेग्नेंट हो गए, भले वो इबादत ना करे। अगर तुम्हारे बदन में कहीं पेन है तो भले ना इबादत करो। इधर मैं बैठा था, मेरे मुंह से निकल गया, आह, मेरे इन्हीं कानों से मैंने ये सुना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के मुख मुबारक से कि तुम इतने बीमार पड़ जाओ कि 4 आदमी तुमको खतले पे उठा के लेके आने स्ट्रेचर के ऊपर, तो भी जमा खाने में आके इबादत करो। इन्हीं कानों से सुना है, इन्हीं कानों से मैंने यह भी सुना है, एक बहुत बड़ी आबिद भाई थी अपनी, हर रोज इबादत करती थी और वाकई सचमुच उसने कोई दर्जा पाया हुआ था। शादी थी, बच्चा हुआ, इबादत में खलल पड़ गया, शोहर है, सास है, बहू है और सब चीजें, यानी दूसरी बहुओं के साथ कुटुंब बड़ा था, बंदगी घट गई।
दस बरस के बाद एक आध बच्चा और भी हो गया, मौला की पगड़ामी में ही मेहमानी रखी। जैसे ही मौला कुर्सी पे आके बैठे रो पा, मौला उसके नीचे नजदीक बुलाए, बच्चा हुआ इबादत में खलल पड़ गया, शहर है, सास है, बहू है और सब चीजें यानी दूसरी बहुओं के साथ कुटुम्ब बड़ा था, बंदगी झट गई। दस बरस के बाद एक आध बच्चा और भी हो गया, मौला की पगड़ामी में हुई मेहमानी रखी। जैसे ही मौला कुर्सी से आके बैठे रो पा, बोला उसके नीचे नजदीक बुलाए, बताओ इसे हाथ फिराया, क्या बात है कि मौला इबादत नहीं होती, क्यों शादी कर ली, बच्चे हो गए, शादी से पहले मुझे जो खुशी मिलती थी, शादी से पहले जो मुझे मिलता था, अंधेरा हो गया। मौला हंस के कहते हैं, मेरी बच्ची तुम इसका फिक्र मत करो, मजबूरियां मजबूरियां है, तेरे दिल के अंदर जो ताकत है वो चली नहीं गई, दुनिया की ब्यूटी उसके अंदर कवर हो गई है, लेकिन मैं तुम्हें मुआफ नहीं करता जो तुमने मिस किया है, शाबाश भी देता है, दिलासा भी देता है और फिर कहता है मैंने तुम्हें मुआफ नहीं किया जो तुमने मिस किया। हर रोज पांच पांच दस दस पंद्रह पंद्रह मिनट ज्यादा इबादत करके जितनी तुमने खोई है वो पूरा करो, पंद्रह मिनट बीस मिनट आधा घंटा जितना तेरे से बन सका है, दो तीन बरस में ना तो जितना तुमने खोया है उसका तुम अंदाजा लगा के रोज थोड़ी एक्स्ट्रा इबादत करो, लेकिन वो पूरा करो। मैंने इन्हीं कानों से सुना और आज मैं इन्हीं कानों से यह सुन रहा हूं कि तुम्हारे बदन के अंदर अगर दुख है, पेन है, दर्द होता है, भले इबादत ना करो। अगर कोई भाई मेरी बच्ची मौला कहते हैं मेरी रूहानी बच्ची अगर प्रेग्नेंट है और तकलीफ की वजह से अरे ना इबादत है, जमाना बदल गया, हमारी शक्तियां घट गई, हमारा ईमान घट गया और इमाम बेहतर जानता है कि क्या हालत है, इसलिए इमाम ने इतनी छूट दे दी। मैंने अपनी जिंदगी से आज मैं 75 साल का हुआ मौला की रहमत से, मैंने अपनी जिंदगी से छोटी उम्र से मौलाना हजर इमाम और सुल्तान मोहम्मद शाह का वारा मैं देखता चला आया हूँ, दिनदारों कितने फेर फार हुए, कितनी चीजें बदल गई और बदलती रहेगी हमेशा, क्योंकि हमारे अंदर जीवता इमाम मौजूद बैठा है। जिस तरह से एक इंसान बच्चा होता है, फिर लड़का होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने एक मिसाल दी थी है कि एक 20 बरस का जवान है, जब वो 90 बरस का होता है तो उसके चेहरे में देख लो कितनी तफावत होती है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि एक जीव का बदन बदलता रहता है या बढ़ता है या कमजोर होता है, जमात भी एक लिविंग बॉडी है, जमात एक लिविंग बॉडी है। जिस तरह से हमारे अंदर एक आत्मा है, बिल्कुल इसी तरह से एक कौम के अंदर एक आत्मा होती है जिसको हम स्पिरिट कहते हैं, वो भी एक एंटिटी है और इसको खुदा ताला की मदद मिलती है। जब एक कौम बिगड़ जाती है, कौम की कौम बिगड़ जाती, एक दो आदमी बिगड़ते हैं तो पता नहीं लगता, यानी सुई लग गई तो लोग टीपा लू उल्टा निकल आया, या चाकू छुरी से हम अपनी कोई उंगली काट बैठे खाते खाते तो थोड़ा खून निकल आया, ये चीज और है, लेकिन बिल्कुल उंगली या हाथ कट गया, पांव कट गया, वो और चीज है। एक एक आदमी किसी कौम के अंदर, एक या दो आदमी, पांच या दस आदमी, मानो कभी 1,00,000 आदमियों की कौम के अंदर कभी 1,000 आदमी भी खराब हो गए तो कौम के ऊपर उसका असर नहीं पड़ता, लेकिन इस कौम के अंदर आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा अगर आदमी खराब हो गए तो वल्ला कौम के ऊपर गजब उतरता है,
खुदा का कहर कोप उतरता है, खुदा का कर्ज उतरता है, क्योंकि बदमाश बुरे ज्यादा हो गए। जैसे कि कैंसर का अंदर तो शुरू में माइक्रोस्कोपिक कंडीशन होती है ना, तो ये कैंसर बढ़ता जाता है। सारे बदन के सामने एक कैंसर के गोले का वजन कितना होगा, एक किलो भी नहीं होता, मगर सारे बदन को खा जाता है। इसी तरह से कौमों के अंदर जब मेजोरिटी आदमी बिगड़ जाते हैं तो फिर खुदा ताला उनका ऑपरेशन करता है। इथियोपिया को अपनी नजर के सामने रखो, सोमालिया को देख लो, सोवियत रशिया को देख लो, कितनी ऐसी मिसालें तो अभी अभी गए 20-25 वर्ष के अंदर देख लो, और कभी और ऊपर से ले जाओ तो गई इस सदी के अंदर सारी दुनिया के अंदर कितनी कौमें उछल गई, फिसल गई, किसी मर गई, बदल गई। क्या ये सोमालिया के आदमी खुदा ताला के बंदे नहीं? क्या ये इथियोपिया के पैदा किए हुए किसी शैतान ने पैदा किए हैं? इनको भी खुदा ने पैदा किया है। पेट है वो पीठ के साथ लगा हुआ है, गोश्त नहीं है, हड्डियों के ऊपर पतला सा चमड़ा लटका हुआ है, आंखों में नूर नहीं। आह, कभी कभी टीवी में इनका हाल देख के रो पड़ा करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि इनको क्या हुआ है। वो भी खुदा के पैदा किए हुए हैं। खुदा ताला ने उनको बहुत कुछ वार्निंग दी होगी और दी भी थी। मैंने आपको अर्ज की कि एक दो ईंटें अगर निकल जाती है तो मकान नहीं गिरता, लेकिन कभी बुनियाद की दीवार गिर जाती है तो सारी बिल्डिंग गिर जाती है। खुद हमारे इस्माइलियों के ऊपर हिस्ट्री के अंदर बड़ी बड़ी पनिशमेंट भी आई। इस्माइली लोग मिल गए, एक हो गए, गुस्सा हुआ, स्पिरिट हुई, अरे एक सिंगल आदमी ने हिला दिया सल्तनत को, सारी ईरान की सल्तनत को, और आलमूत का गढ़ खड़ा कर दिया, आलमूत की सल्तनत बनाई। 125 बरस सल्तनत चली हमारी आलमूत के अंदर, 171 ईयर एक आदमी ने खड़ी किया, सिंधु सभा ने, दूसरों ने उसका साथ दिया। 6 लाख आदमी का लश्कर लेकर सुल्तान संजर जब आया है तो हसन बिन सभा के 10,000 आदमियों को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी और ये 6 लाख आदमी दुम दबा के भाग गए, क्योंकि उस वक्त जमात में स्पिरिट थी, जमात एक थी, सरदार का हुक्म मानती थी, इमाम के ऊपर आला दर्जे का ईमान और मोहब्बत थी, कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग था, धचूपचु नहीं थे, दुनिया की बदियां बुराइयां नहीं थी उनके अंदर, मजहब और मजहब के सिवा उनकी नजर के सामने कोई चीज नहीं थी। जान दे देना इस तरह था कि जैसे पगड़ी उतार के फेंक देना। इमाम हाजर इमाम सुल्तान मुस्तफा के फरमान में आए कि उस जमाने के अंदर ऐसे बहादुर योद्धे थे कि गर्दन तक जाती थी तो समझते थे जब इस पगड़ी उतर गई। वो जिसका भोजन बाजे था, एक पत्थर की चट्टान के ऊपर किला बना दिया, 200 वर्ष तक राज चलता रहा, तखत बन गया, सल्तनत बन गई। हसन बिन सभा 40 आदमी लेके अलेक्जेंड्रिया पहुंचा, मौलाना इमाम निजार से जाके सज्दा किया, मौला उधर कुर्सी तैयार है। निजार शाह निजार ने कहा, नहीं हसन, मेरा टाइम बहुत थोड़ा है, फासला बहुत है, इमाम हादी को ले जाओ जो तुम्हारा इमाम है, लेकिन अभी नहीं, इसको तखत पर जाके बिछाओ। रस्ते में तुमको हादी कहेगा कि मेरा जोमा खत्म हुआ और उसकी मदद करना। इमाम हादी इनके साथ आए, इमामत मौलाना निजार की थी। जब इन्होंने इजिप्ट क्रॉस किया और पैलेस्टाइन में गए, इराक में से निकल रहे थे, रस्ते के अंदर घोड़े पर बैठे हुए मौलाना हादी कहते हैं, ठहरो मेरी बयत करो, क्योंकि मेरे अब्बा ने जामा पूरा किया, जंगल में इन लोगों ने बयत की। मौलाना हादी तख्त से आके बैठ गए। सल्तनत इमाम नहीं बनाता, राज इमाम नहीं बनाता, इमाम को क्या जरूरत है राज बनाने की, मुरीद राज बनाते हैं। जिस तरह से अब्दुल्ला शी ने वहां मोरक्को के अंदर राज बनाया और इधर आके इमाम
مہدی علیہ السلام کو عرض کی, اس وقت امام رضی الدین عبداللہ کو عرض کی, ایسا ہی واقعہ بنا. مولانا رضی الدین عبداللہ نے کہا نہیں میں نہیں آتا کیونکہ میرا ٹائم نزدیک ہے, مہدی کو لے جاؤ. مولانا محمد المہدی ادھر پہنچے تو رستے میں انہوں نے بھی ایسا ہی کہا کہ میری بیعت کرو کہ میں اب تمہارا امام ہوں. مریضوں نے راج بنایا, امام آ کے بیعت کیا, خوب کھایا پیا, ایش آرام کیا 150-200 برس تک. پھر آپس میں لڑنے لگے, لالچ میں پڑ گئے, سوہت میں پڑ گئے, میں بڑا تو چھوٹا, حسد میں پڑ گئے, تو مولا اٹھ کے چلا گیا. عالمت میں بھی ایسا ہوا, جس میں بھی ایسا ہوا. جماعت جب تک مضبوط رہی ہماری سلطنت چلتی رہی, لیکن جب جماعت میں جھگڑے شروع ہو گئے, تیری میری ہو گئی, سوارت ہو گیا, گریڈ ہو گیا, سیلفشنس آ گئی, حسد پیدا ہو گیا, امام اٹھ کے چلا گیا, سلطنت فنا ہو گئی. ڈاکوؤں نے آ کے, بربر ڈاکوؤں نے آ کے, حلاکو خان کے آدمیوں نے آ کے اس کو بالکل برباد کر دیا, عالموت کے ٹکڑے کر دیے. لیکن اس مرتے مرتے بھی کچھ جذبہ باقی رہ گیا, تو ایک دن میں 30,000 آدمی شہید ہوئے, 30,000 اسماعیلیوں نے جان دی. حلاکو خان نے 10 مہینے تک اس کا جو محاصرہ کیا تھا, سیج کیا تھا, ایک اینٹ بھی ہٹا نہیں سکا. فریب دے کے انہوں نے علموت کو فتح کیا, لڑ کے بہادری کے ساتھ نہیں, لیکن علموت کا پڑ جانا, فال آف علموت کیا ہوئی, جماعت کی بے دلی کے کارن سے, لیڈروں کی بے دلی کے کارن سے, جماعت اور لیڈروں کے اندر دکھ کے کارن سے, آپس کے حسد کے کارن سے, گریڈ اور سیلفشنس کے کارن سے. ہم نے مار کھا ایمان تو اس کے چلا گیا, ایمان تو پاک ہے, اس کو کوئی لاش رشوت کی ضرورت نہیں, اس کو بڑائی کی ضرورت نہیں, وہ تو نور اللہ نور ہے جنگارو. ہم ہی اپنے پاؤں اپنے ہاتھ سے کاٹتے ہیں. پھر بھی مولانا امام شمس الدین محمد نے ان لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا دیکھو اب زمانہ یہ ہے کہ تم ہل مل کے رہو اور چھپ کے رہو, اپنے اصولوں کو, اپنے ایمان کو بھی ظاہر مت کرو. اور ہم تقیے میں چلے گئے. امام ابو ذر علی کے زمانے تک ہم لوگ تقیے میں رہے. مولانا امام ابو ذر کے ٹائم کے اندر پھر تھوڑے اونچے آئے, کیونکہ ایک منگولین پرنسس کے ساتھ مولانا ابو ذر نے شادی کی اور پھر اسماعیلیوں کے لیے پلٹا شروع ہوا. میں نے یہ مثالیں اس لیے دی ہیں آپ کے سامنے. میں نے پاس یہ پڑھا کہ اچھڑا کھوجو, اچھڑا کھوجو. اچھڑا کہتے ہیں پیور وائٹ, اچھائی کو ڈھونڈو اور سب کے دھاگے پہ چلو. دھاگا رستے کو بھی کہتے ہیں اور دھاگا فالو کرنے کو بھی کہتے ہیں. سب کو فالو کرو, حق کو, ریالٹی کو سرک کے اس کے پیچھے چلو. مومنو, امام کے سوا اور کون سا بڑا سچ ہے, اس سے زیادہ کوئی بڑا ٹروتھ نہیں. امام کے سوا اور کوئی ریالٹی نہیں کہ جو ریئل ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ مولانا حضرت امام کے دامن پکڑ کے بیٹھے ہیں. کہتے بھی ہیں تیرے پاؤں پڑے ہوئے ہیں, اونا پورا آسمان کا مولا سب لنگانی پہاڑ, ہم اونے ہیں. اونا کہتے ہیں جو پورا بھرا ہوا نہ ہوئے, اور پورے بھی ہیں ہمارے اندر, ایسے بھی ہیں کہ جو دن کے وقت بھی امام کے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہیں اور رات کو امام کی گود میں سوتے ہیں. ہماری قوم خالی نہیں ہے, پہلے بہت سے ابھی گھٹ گئے ہیں, لیکن آج ہیں جو تھوڑے سے ہیں نا, ان لوگوں کی دعاؤں اور برکتوں سے جماعت بچی ہوئی ہے. یہ دعائیں برکتیں امام نے دی ہیں, لیکن ہماری جماعت میں ایسے ہیں جسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ دن کو امام سے باتیں کرتے ہیں, رات کو مولا کے کھوڑے میں سوتے ہیں. ہماری جماعت کے اندر انہی لوگوں کی دعائیں بند کی ہیں. وہ جب دعا مانگتے ہیں تو نہیں کہتے مولا میرے کو پیسہ دے, وہ یہ کہتے ہیں مولا جماعت جو بھلے ہو کر. وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو نہیں کہتے کہ یا مولا میری بیماری دور کر, وہ یہ کہتے ہیں مولا جب جماعت کے اندر جو کوئی بیمار ہے, تکلیف میں ہے, کمزور ہے, دکھی ہے, تو اسے دکھ دور کر. تو اپنے لیے نہیں مانگتے, جماعت کے لیے مانگتے. اور امام نے فرمایا ہوا ہے مشنریوں کی ہماری مہمانی تھی. ہمارے ایک مشنری سے جعفر علی
अब भी भलवानी जिन्होंने भलवानी भंडोर की कुछ किताबें लिखी हुई हैं, कहते मौला एक सवाल है, बोलो क्या है। इस्लाम बहुत से लोग न्याज की प्यारी हाथ में लेके बहुत देर तक कुछ दुआएं मांगते रहती है, पीछे लाइन खड़ी हुई है और बस टाइम निकल जाता है, कितनी देर में चार आदमी न्याज की जाए। तो खुदावन हमको कोई ऐसी दुआ बताओ कि जिसके अंदर सारी चीजें आ जाने। मौला फरमाया देखो जाकर यदि तुम प्याली उठाओ तो उस वक्त नजर करके उस प्याली के ऊपर कहो तो या मौला हम सबको हकीकत समझ गए, फरमान सब कुछ आ गया। अगर हकीकत ही समझ आ गई तो पहली चीज तो यह है कि बड़ी बुराई गुना नाफरमानी होंगे ही नहीं। अपने लिए नहीं मांगते तो जमात के लिए मांगते रहते हैं, उनकी ये दुआएं जमात को बचा रही हैं, उनकी दुआओं से जमात हरी है। और कभी ऐसे लगभग सब नहीं तो आधे भी ऐसे हो जाए तो जमात में कितनी ताकत आ जाए। शाम को जमात खानों की हाजिरी घट गई और दुनिया की बहुत सी चीजों में हम रह गए, लेजी बन गए, हमारे अंदर लेथर्जी पैदा हो गई, वो जो स्पिरिट थी रोम था वो नहीं। एक 18-20 बरस का लड़का जिस तरह गेम खेलता है, स्पोर्ट्स खेलता है, दौड़ता है, नाचता कूदता है, 80 बरस का आदमी कैसा होता है, ढीला हो जाता है, सेडेंटरी जीवन में आ जाता है, एक्टिविटी निकल जाती है। आज हमारी जमात का हाल ऐसा हो गया। रूहानी तरीके की बात करता हूं, सुबह की इबादत बराबर नहीं, शाम की हाजिरी बराबर नहीं, आमाल हमारे ऐसे नहीं कि जैसे इस्माइली के होने चाहिए। क्या ये मैं काम करता हूँ इस्माइली हूँ, क्या मुझे जायज है मैं ऐसा करूँ। हमारे अंदर ये बात की एक किस्म की कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, कुछ भी अमाल करने से पहले मुझे ये ख्याल हो कि मैं मौलाना हजरत इमाम का मुरीद हूँ, क्या मुझे ये लाजिम है, क्या मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं किसी से दगा करूँ, क्या ये अच्छा लगता है कि मैं झूठ बोल के फरेब करके मैं पैसे लूँ। हमारे दिल के अंदर इस बात की गवाही मिलती है मैं इस्माइली हूँ, ये मेरा काम नहीं है। लोग लालच जब इंसान के दिल में पैदा होता है तो इंसान की अकल खराब हो जाती है। लोग लालच रे मन मोह सो लागत है सो दीन की राह सो चलिया। लोग और लालच, हमको लोग लालच की क्यों जरूरत पड़ती है। मौज शौक में जब दिल ज्यादा चले जाता है तो मौज शौक को मेंटेन करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो ये पैसा अगर पॉसिबल है हम बदमाशी न करें न मिले। अभी यहाँ आके हमारे ईमान और दुनियादारी के अंदर झगड़ा होता है, अरे क्या हुआ छाका लो ना, तो मुख्य कहते हैं कुल गुना माफ, अच्छा जो चाहोगे बदी कर लो। और मुखी कहे कुल गुना माफ, तो आप समझते हो गुना माफ हो गए। ये ख्याल अपने दिल में से निकाल डालो। मुखी को क्या पता आपने क्या क्या गुना किया, मुखी तो कहता है नियत मोरा खाना वदन। अगर हमारी नियत कैसी है वो मुखी को पता लग जाए तो मुखी ये शब्द कभी नहीं बोले। हमारी नियत मौला बेहतर जानता है। हमारे अंदर तो ये है मुखी का मड़िया मुखियानी माँ का मड़ियानी माँ, हम उधर जाते हैं ये मौला का तखत है। मुखी 5 बरस का बच्चा हो तो भी माँ बिस्तर है, दादा भी उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े होगा। क्यों कि उस वक्त वो उसका बेटा नहीं, पोता नहीं, कोई नहीं, उस वक्त वो मौलाना हजर इमाम का वकील है। वकील कहते हैं एम्बेसडर को, मौला का एजेंट है। उसको ये सत्ता दी गई है कि मौला से वास्ते जो कुछ भी तुम दो वो लेके तुम्हें दुआ दे रहे, फिर आप जानो मौला जाने। मुखी एक किस्म के मौलाना हजर इमाम के मेहता है जो रिजल्ट लिखते हैं। मुखी कामड़िया की बहुत इज्जत करो, बहुत इज्जत करो। और अगर कभी मुखी कामड़िया से जमात खाने के अंदर गाजी के दरमियान अपनी फर्ज के दरमियान भूल भी हो जाए, अल्लाह मेरा मुझे मुखी कामड़िया ने कोई लाच रिश्वत नहीं दी है, मैं आपको हक सिखाता हूँ। अगर जमात खाने के अंदर मानव के क्रियाकर्म में मुखी कामड़िया से कोई ऊंच नीच हो भी जा रही है, खबरदार
इधर आके उसको कभी मत कहना, कभी नहीं कहना, कभी क्रिटिसाइज नहीं करना, कभी टोकना नहीं। हाँ, बाहर निकल जाना, आराम से कहो मुखी साहब की आज मदद, मेरे को एक अरज करनी है, फला का आपने आपने ऐसा किया तो बराबर नहीं, अभी मुखी साहब के ऊपर है, इसको माने ना माने, लेकिन यहाँ उसको कभी मत बोलना। मुखी झूठ करे, ऊंधा करे, जो कि हमारे मुखी ऐसे नहीं है। मैं महज एक बात करता हूँ। मकलाई हमारे प्रेसिडेंट थे मिशन के, और मुखी जो बैठे हुए थे घरखाने के अंदर, मुखी हसन लाल जी देवराज, इन दोनों की आपस में प्यार नहीं था बहुत, और मकलाई पड़े थे। ये जमात खाने जा रहे तो मुखी से दुआ नहीं करा रहे। एक दिन मौला को कहते अपने बंगले पे, हर साल मौला इसके बंगले पे जाके इसके साथ लंच खाया करे, उसके घर जाके लंच खा रहे। एक दिन लंच खा लिया तो मकलाई कहते मौला एक अर्थ है, क्या है मकलाई? मकलाई हमारे प्रेसिडेंट थे मिशनरियों के, बड़ा इलम वाला, बड़ा होशियार आदमी था। मौला पूछे क्या है? खुदावन मुझको ऐसा लगता है मेरी दसवन में कुछ कमी है। मौला आज ऐसा दिल चाहता है, मेरे घर पे आया तो तुम तो मुझे मेरी दसवन जो आप हुक्म करो मैं अपनी रकम दूँ, तो मुझे छाता दे दो, मेरे पिछले दसवन की गुना बख्श दो। सारा सा हाथ करके मतलब तुम तो मिशनरियों का प्रेसिडेंट है, तुम ऐसी बात करते हो? ये काम मेरा नहीं है, ये मुखी का काम है, जमात में जाओ। मगर खुदा तू तो इमाम है, मुखी को तो तूने पैदा किया, उसको अपॉइंट किया, सच है, लेकिन हमने ये सत्ता जमात को दी है। जमात में चार सत्ता है, चार कला है जमात में, जो पीर की तरफ से मिली हुई, वो कला पीर की है, लेकिन मौला ने जमात में रखी है। एक तो ये कला है कि किसी को मजहब में आना है तो उसको मजहब के अंदर दाखिल करे, हजर इमाम की बैत ले रहे, ये मुखी का काम है, यानी जमात का। इमाम की बैत मुखी अपने घर से नहीं कर सकता, मुखी अब तो किसी ऑफिस में बुला के दसवंध नहीं ले सकता, वो जज है, कोर्ट में आ रहे हैं। दूसरी सत्ता यह है कि हमने गुनाह किए हैं, गुनाह की माफी मांगने के लिए मुखी को यह सत्ता है कि वो ये कहे कि तुम्हारी नियत मुराद कबूल, छाता दे दे, अभी मौला जाने और आप जाने। तीसरी सत्ता यह है कि हमारी जो मुरादें हैं, मुश्किलें हैं, उनको दफा करने के लिए, हमारी नियत मुरादों को पूरा करने के लिए गत के अंदर यह सत्ता है कि जो मुखी, मेरा नाम मैं मुखी का लेता हूँ, लेकिन मुखी कमरिया, मुखियानी, कामरियानी, ये चारों उसके अंदर शामिल है। चौथी सत्ता यह है कि आदमी जब मर जाए तो उसको महाजन का छाता इमाम की तरफ से देते हैं ताकि उसका ये सफर इजी हो जाए। ये चार सत्ता कला यानी जग में है। मौला फरमाया मुखी के पास जाओ। अब इसने वापस जो इंसिस्ट किया तो साथ थोड़ा जोर से उसको कहते हैं, देखो मकलाई, हम जो कहेगा वो देगा, आप बताओ ना, आप जो हुक्म करो। अभी आप विचार करो दिनदारो, आप में से वो लोग के जो बड़े बुजुर्ग उम्र के लोग हैं, 1930s में दुनिया में सख्त में सख्त मंदी थी, वो मंदी आज तक भी नहीं आई, ऐसा वो जमाना था 30s का। 1932 में पहली दफा ब्रिटिश की इतनी बड़ी सल्तनत थी, उन्होंने पहली दफा पाउंड को डी वैल्यू किया, हिस्ट्री में पहली दफा बना, तो उस जमाने के अंदर पैसे की बहुत बड़ी वैल्यू थी। दस रुपए में महीना भर आदमी काम करते थे, क्लर्क की पगार 15 रुपए। बोला फरमाया अच्छा 1,25,000 रुपया रखो। आंखें खुल गई, मुंह बंद हो गया, 1,25,000 रुपया चुप हो गया। आवाज पर देखो मतलब जाओ जमात खाने। अमा यानी एक वर्ड है ऐसा, मौला सुल्तान मुझसे बहुत बोला करते थे, अरे ऐसा बोलते ना, अरे ऐसा बोलते थे, अमा मुखी 2 पैसे लेके छाटा दे गए, वल्ला कयामत तक मुआफ है। हमारा मजहब इमाम के फरमान के ऊपर चलता है, इतिहाद से चलता है। ईमान को मजबूत करो, दुनिया की इस मौज शौक में से दिल को हटाओ। हमको इमाम ने ऐसा नहीं कहा कि तुम बिल्कुल ड्राई हो जाओ, खुश्क मिजाज हो जाओ, नहीं। खाओ पियो, रिक करके लेजिटिमेट मौज शौक करो, लेजिटिमेट, तो जिसके करने में गुनाह ना हो,
जमात को जमात के साथ रखो, घर को घर के साथ रखो, दुनिया को दुनिया के साथ संभालो, दीन को दीन के साथ संभालो। माँ बाप कहते हैं दोनों को संभालो, एंड डू नॉट फॉरसेक वन फॉर द अदर। दुनिया छोड़ के दीन कमाओ वो भी बराबर नहीं, और दीन छोड़ के दुनिया कमाओ वो भी बराबर नहीं। दोनों को अपनी जगह के ऊपर रखो, इबादत करो, अपनी रूह को अपनी स्पिरिट को मजबूत बनाओ, तो दीन दुनिया के दुख मेल्ट हो जाएंगे। और दीन दुनिया के अंदर मौलाना हज़रत इमाम आज़म के ऊपर चारों हाथ से आपको बरकत नवाजिश करेगा। शुक्रिया बात रहो मौला, आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, ईमान की सलामती दे दे, हकीकती समझ दे दे, फरमान बरदार बनावे, वफादार बनावे, दसवंदी सुकृति बनावे, दिन दुनिया की नियामतें देवे, खुशियां देवे, बरकतें देवे, नेक उम्मीदें पूरी करे, आसमानी जमीनी सब बलाएं आफतें दूर करे। मौलाना हज़रत इमाम कुतुब कबीले जुमले जमातों के अंदर सलासंत दे रहे, मोहब्बत दे रहे, इत्तेफाक दे रहे। मौलाना हज़रत इमाम आपकी हर नेक उम्मीद पूरी करें।